तो दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे वीडियो में। आज मैं आपको बताने वाला हूँ प्लम्बिंग के जो पाइप होते हैं और इनकी जो कोर कटिंग की हुई होती है उनकी वाटरप्रूफिंग कैसे करते हैं। अब देखिए, जैसे ये एक पाइप है और इसके चारों ओर कोर कटिंग तो हमने कर दी है और प्लम्बिंग का पाइप भी डाल दिया है, लेकिन ये पाइप क्या होते हैं कि बाथरूम के अंदर होते हैं और बाथरूम में आपको पता है कि 24 घंटे पानी रहता है। हम जब नहाते हैं या कपड़े धोते हैं तब पानी रहता है, तो इनमें लीकेज होने की बहुत संभावना रहती है। तो इस लीकेज को रोकने के लिए हम करते हैं इनकी वाटरप्रूफिंग, और इनकी अगर वाटरप्रूफिंग अच्छे से नहीं होती है तो फिर बाद में बहुत तकलीफ़ देते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि इसमें अगर आपने वाटरप्रूफिंग अच्छे से नहीं करवाई तो फिर बाद में 2 महीने या 3 महीने बाद में लीकेज होने की संभावना रहती है। तो चलो मैं आज आपको इसकी जो वाटरप्रूफिंग होती है कैसे होती है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। तो चलो शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है थर्माकोल की थिन पाइप जो हम कोर में अच्छे से फिट करेंगे। इस पाइप की खासियत यह है कि ये इस पे जैसे ही पानी लगेगा ये फूल जाती है, और फूल कर जो भी गैप होता है जहाँ से पानी के लीकेज होने की संभावना रहती है उसमें ये अपने आप कवर कर लेती है, उस गैप को भर देती है। अब देखिए, मैं लगा नहीं, ये थर्माकोल की पाइप है जो ये मिस्त्री है वो लगा रहा है। ये थर्माकोल की पाइप की मैंने आपको खासियत बताई दी है। साथ ही इसका दूसरा प्रॉफिट ये होता है कि इसमें हम केमिकल डालेंगे, वाटरप्रूफिंग केमिकल जो मैं आपको आगे बताऊंगा। वाटरप्रूफिंग केमिकल को भी ये रोकने का काम करती है, और ये जो गैप होती है उसको भी अपने फूल के और उस गैप से भी पानी को नहीं निकलने देती है। इसको हम पाइप के चारों ओर अच्छे से फिक्स करके लगा देते हैं। ये देखिए, अच्छे से फिक्स करके लगा दिया है, और अपने स्लैब की थिकनेस 6 इंच या 4 इंच जितनी होती है या 5 इंच जितनी, उसमें 3 इंच जितना इसको डाउन रखते हैं हम। ये देखिए, ये ऊपर ही लगाया हुआ है। ये दिखाने के लिए मैं आपको बता रहा हूँ कि इस प्रकार इस पाइप को लगा दिया जाता है, जो थर्माकोल की पाइप है, अच्छे से क्लीन करके कोर को। अब ये है अपना वाटरप्रूफिंग मटेरियल, अल्ट्राटेक का माइक्रोक्रीट जो है, माइक्रोक्रीट आता है, और ये सेल्फ कॉम्पैक्टिंग होता है, तो हाई कंप्रेसिव स्ट्रेंथ होती है इसकी। इसमें क्या होता है कि फाइबर के छोटे छोटे दाने होते हैं, इसमें फाइबर के छोटे छोटे दाने होते हैं जो पानी के संपर्क में आते हैं, फूल जाते हैं, और फूल कर जो भी गैप है उसको ये फिल कर देते हैं, जिससे कि वाटर नहीं निकल पाता है कोर में से। इसका यूज करते हैं, और इसके साथ में हम एक दूसरा मटेरियल भी मिलाते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा आगे में। वीडियो को पूरा देखिए तभी आपके समझ में आएगा, और आप अपने घर पे या फिर कहीं पे भी जहां आप काम कर रहे हैं वहां अच्छे से वाटरप्रूफिंग कर पाएंगे और सीख पाएंगे, और ये वीडियो आपके बहुत हेल्पफुल कर रहेगा। अब देखिए, ये जो माइक्रोक्रीट है अल्ट्राटेक कंपनी के, इसको हम एक तगारे में ले लेते हैं, और इसमें हम थोड़ा पानी मिलाएंगे। ये इसमें थोड़ा पानी मिला दिया है, थोड़ा पानी मिलाने के बाद में इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको जो ट्रावल है उससे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और पानी की मात्रा ज़्यादा ना हो हम ये भी ध्यान रखेंगे। उसके बाद में हम मिलाएंगे इसमें SBR केमिकल। जो भी लोग वाटरप्रूफिंग करते हैं उनको पता है कि SBR क्या होता है, यह वाटरप्रूफिंग में काम में लिया जाता है। ये देखिए, मास्टर बिल्डर्स कंपनी का मास्टर एरामको SBR 3 है, इससे वाटरप्रूफिंग होती है, और इस SBR को हम माइक्रोक्रीट जो मटेरियल है अल्ट्राटेक का उसमें मिलाएंगे। और ये SBR का डोल है, 20 kg का आता है ये, और इसमें वाइट कलर का केमिकल होता है जो सूखने के बाद में एक रबड़ का काम करता है, रबड़ की तरह हो जाता है, जिससे कि ये पानी को पास नहीं होने देता है, वाटर को लीकेज नहीं होने देता है। इसको हम माइक्रोक्रीट में पानी के साथ में अच्छे से मिक्स कर लेते हैं, और एक थिन थिन मोर्टार होता है वो बनाते हैं, थिन मसाला बना देते हैं। और इसको अच्छे से करने के बाद में हमने जहाँ पे वो लगाया है थर्माकोल, वहाँ पे हम इसको डालेंगे। उससे पहले
दोस्तों वीडियो आप देख रहे हो, आप सपोर्ट कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का निशान भी दबा लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए ताकि आने वाली वीडियो भी मैं आपको बता सकूं। अब देखिए, जहाँ पे हमने वो थर्माकोल या फाइबर का लगाया था उसमें हम ये मटेरियल जो हमने मोर्टार थिन मोर्टार बनाया था उसको डाल देते हैं। और ध्यान रखने वाली बात यह है कि इसको हिलाते हुए ही डालना है, क्योंकि मैंने आपको वीडियो की शुरुआत में बताया था इसमें फाइबर के छोटे छोटे पार्टिकल होते हैं माइक्रोक्रीट में, वो पार्टिकल नीचे न रह जाए, वो पार्टिकल इस कोर में अच्छे से आ जाए, इसके लिए इसको हिलाते हुए ही डालना चाहिए, न कि सीधा तगारे से डाल देना चाहिए। अब देखिए, हमने उसको डाल दिया है और ये 48 आवर तक सूखता रहता है। अभी इसको सिर्फ 24 घंटे हुए हैं सूखे हुए, ये थोड़ा सा गीला है। 48 घंटे तक इसको सूखने के बाद में हम करते हैं इसकी टेस्टिंग। टेस्टिंग में हम ध्यान रखेंगे कहीं से भी कोई लीकेज ना हो। अब इसमें जो हमने भरा था माइक्रोक्रीट और SBR का केमिकल कोर में, उसकी हम 48 घंटे बाद में टेस्टिंग ले लेते हैं, पानी भर के बाथरूम में अच्छे से पानी भर के उसकी टेस्टिंग ले लेते हैं। कहीं से लीकेज है तो इसको वापस तोड़ के फिर वापस भरेंगे। तो दोस्तों, मैंने आपको पूरा कोर का जो वाटरप्रूफिंग होता है कैसे होता है वो बताया है। और दोस्तों, आपको दिख गया होगा कि चैनल नया है, सब्सक्राइबर बहुत कम है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ऐसी नई नई टेक्नोलॉजी जो कंस्ट्रक्शन लाइन में आएगी वो मैं आपको बताऊँगा। थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब।